परत यायचं रिटर्न रिटर्न आओ मिसळ खाऊन येणार आहे परत एक नंबर मिसळ आहे कसमला मिसळ तेरा यार हूं मैं तेरा यार तो पिछले कुछ दिन से मुझे मलेरिया था। अभी मैं टोटली ठीक हो चुका हूँ। तो बिकॉज मलेरिया इज़ गॉन लोनावला इज़ ऑन और अभी लोनावला में जाके मस्त तो इस आदमी ने मलेरिया को 3 बार मार दी है। 3 गुना ज़्यादा लगान लिया था इससे मच्छरों ने, बट सक्सेसफुली 3 बार मार दे चुकी है और मलेरिया फेडरेशन की तरफ से इसे पुरस्कार भी मिला है पुरस्कार। और उसी सेम लोकेशन पे मुझे मलेरिया हुआ है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो सभी लोग लाइफ में लोनावला ये पॉइंट वो पॉइंट घूमने के लिए जाते हैं, फोटोज निकालने के लिए जाते हैं, और लोनावला में ऐसी एक चीज़ है जिसके लिए लोनावला जाना चाहिए, वो मैं आपको आज बताऊंगा। जल्दी मैं इसे इस टास्क से मुक्त करने वाला हूँ। ये भी बिस्लरी पीना रहे लोग मिसर चाहिए तो लाउन वन बिस्लरी आम्ही साधे लोक आहेत आम्ही नळ असेल नळातलं पण पाणी पिऊ पण आम्हाला मलेरिया होतो आणि हे बिस्लरी वाले लोग आहेत स्टँडर्ड। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है मुंबई के एक परिवार की। कहानी है एक दादाजी की जो उम्र के 65-70 साल के पड़ाव पर भी अपने परिवार को पाल रहे हैं, जीवन के हर संघर्ष से लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा बंदर रहते हैं पर अभी इवॉल्व्ड बंदर आ गए। यहाँ पर देखो बंदरों का साम्राज्य। बंदर कमर्शियल बंदर आ गए। अभी हम लोग डेस्टिनेशन से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पे है। 3 मिनट के 800 मीटर्स मैराथन करके लॉन्ग रेस करके जा सकते हो। मैं लोकेशन मेंशन कर दूंगा, ज़रूर आना। सो लेट मी ब्रेक द आइस फॉर यू। हम लोग यहाँ पर चिकन मिसल खाने के लिए आए हैं क्योंकि लोनावला में बेस्ट चिकन मिसल मिलता है। अभी इन लोग ने ब्रांच उल्वे में भी खोला है तो उधर का मालूम नहीं कैसा है, बट यहाँ पर ओजी टेस्ट है। ओजी काय तू गेला का नाही आता? पहले की मारुति कलेक्टर्स एडिशन। तेजस का हाइट 6 फीट है और ये मारुति देखो ओजी मारुति अच्छे कंडीशन में। मेंबर पण आहे क्लासिक मारुति एंथुसियास्ट। भाई मिरर देखो कितना छोटा है। तेजस हाथ ठेव ना आता। ओ भाई इंटीरियर पण एकदम ऑसम है। यहाँ की मिसल एकदम क्रेजी है। थोड़ी देर में आपको इधर ला के दिखाता हूँ। तो तर हे बिस्लरी पिणारे लोक नेहमी कन्फ्यूज असतात। पाणी पाणी आता घेणार आणि ते बिसलेरी असणार बिसलेरी पिणार कंपल्सरी नाही 6 सोलकडी पियत नाही पाणी मग बाप बरोबर है ना पहले ही पानी से पेट मत भरा करो पहले खाओ फिर पानी पियो तो फ्राइड पकड़ते हैं फ्राइड पकड़ते चिकन खीमा सोबत चांगलं नाही लागलं का हे आपण खीमा पाव सांगितलंच नाही खीमा पाव नाही सांगितलं अरे चिकन मिसळ संपवूया नंतर खीमा पाव हम पहिले खायचं काय वेगळे खायचं सोबत जास्त सोबत एक्चुअली सोबत भरपूर एवढं पण छोटं नाही स्टँडर्ड लोक तो इस मिसल को खाने का एक तरीका है पहले आपको ये अंडा इसमें डालना रहता है और फिर इस खीमे के नीचे फरसान है तो इस फरसान को स्लोली इसमें डाल के खाना रहता है मतलब ऐसा पूरा मत डाल दो नहीं तो फिर वो अभी बोलते बोलते मुँह में पानी आ रहा है पर पूरा मत डालना हल्का धीरे धीरे डालना आपके बाइट्स क्रिएट करो और फिर एंजॉय करो बहुत टेस्टी लगता है और ये एक्स्ट्रा खीमा मिलता है इसके साथ इसको हेला खरडा बनता है ना इसको खरडा बनते ये स्पाइसी रहता है और अभी खीमा पाव भी आ रहा है तो खीमा पाव तो अभी खाता हूँ मैं बहुत हो गया इधर जब भी आओगे भूखा आना क्योंकि फूड इतना डिलिशियस है ना ओह गॉड आपको मन करेगा कि बहुत ज़्यादा खाओ डिलिशियस खूब है ना खूब तो स्टैंडर्ड लोग भी बोल रहे हैं कि ये बहुत यूनिक है मतलब ये अच्छा है क्वालिटी चेक हो गया है क्वालिटी चेक डन अप्रूव मितू अप्रूव्स #मितू अप्रूव्स तो हमारे खीमा पाव आ चुके हैं और प्यू चल वर्डिक्ट फैसले की घड़ी आ चुकी है हाउ डज इट टेस्ट यमी है तो जब तुला आवडते की नाही खाऊन बघते क्रिस्पी आहे पेट फुल भर चुका है एकदम फैमिली पैक हो गया ऐसा दिख रहा है क्या नहीं मिसल तो एकदम बेमिसाल थी और पेट भर गया ऐसा इन लोग का ब्रांच उल्वे में भी खुलता है तो जिन लोगों को लोनावला नहीं आना है वो उल्वे में जाओ बट ये ओरिजिनल स्पॉट है जहाँ पर ये चिकन मिसल एक्चुअली मिलना चालू हुआ था और बहुत टेस्टी है मतलब आप आके हैं ना बैठ के खाओगे ना मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को मज़ा आ जाएगा तो अभी हम लोग जाते हैं स्पॉट पे कुछ तो फोटो वोटो निकालते हैं और फिर घर पे वापस यहाँ पर सुनील शेट्टी भरत जाधव कौन है तुझे है प्राजक्ता माई ऐसे बहुत सारे लोग आके गए प्रियेश वाघमारे भी आके गए 2% स्टैंडर्ड ऐसे बहुत सारे लोग आके गए तो देयर इज़ अ रीज़न कि वो लोग आए थे टेस्ट है बहुत ऑसम टेस्ट है अब भी आओ तो लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा गूगल मैप्स का देख लेना बाकी ऑसम जगह है फालतू सा खर्चा है यार फालतू सा खर्चा लेट टाइम बस गाड़ी। ये बहुत ऑसम चीज है, डेंजर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे बाप रे, मस्त है ना, काम बड़ा। तू एक दास खा लेगा। तो जब भी आप एथलेटिक या फिर फिट नहीं रहते तभी लाइफ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उसी रीज़न की वजह से यू शुड बी फिट, एवरीवन शुड बी फिट इन जनरल। आपको ऐसे डेली टास्क करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी डिज़ाइंड ही रहती है ऐसी सारी चीज़ें करने के लिए। काय बोलते काय करो। तो फ़ोटो सेशन क्लियर हो गया है, अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और फिर घर जा रहे हैं। ओ भाई साहब, अभी घर पे जाके बहुत लंबा टट्टी ब्रेक होने वाला है, बहुत खाली है। ब्रो मॉन्की किधर गलियों में कुछ तो कर रहा है। ए मंकी चल हाथ। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। देख लिया मैंने कुत्ते को, उत्तराखंड फुल ब्लैक मरा रही है। खराब लग रहा है ना।